वसुदेव सुतम देवम कंस चाडूर मर्दनम देवकी परमानंदनम कृष्णम वंदे जगत गुरु जगत गुरु जगत गुरु मनस्य यदि तच्च कयम मया त्रेष्टोमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मान मयम। जीव परमात्मा से कह रहा है, हे प्रभु, मेरे द्वारा आपका यह ऐश्वर्य रूप देखा जा सकता है, ऐसा अगर आप मानते हैं तो हे योगेश्वर, आप अपने उस अविनाशी स्वरूप को मुझे दिखा दीजिए। हे परमात्मा, हे ईश्वर, हे परमेश्वर, हे भगवान, हे प्रभु, मुझे अपना योगेश्वर रूप दिखाइए। जीव प्रभु से, परमात्मा से, परमेश्वर से बोल रहा है। प्रभु, प्रभु नाम सर्व सामर्थ है, इसलिए इस संबोधन का भाव यह मालूम देता है कि यदि आप मेरे में विराट रूप देखने की सामर्थ मानते हैं तब तो ठीक है, नहीं तो आप मेरे को ऐसी सामर्थ दीजिए जिससे मैं आपका या ऐश्वर्य ईश्वर संबंधी रूप देख सकूं। जीव परमात्मा से इस प्रकार विनती कर रहा है, परमात्मा से याचना कर रहा है। जीव मनस्य यदि तत्क्षणं मया दृष्टमति, इसका तात्पर्य है कि अगर आप अपना वह रूप नहीं दिखाएंगे तो मैं यही मानूंगा कि आपका रूप तो वैसा ही है जैसे आप कहते हैं, पर मैं उसको देखने का अधिकारी नहीं हूं, योग्य नहीं हूं, पात्र नहीं हूं। इस प्रकार जीव को प्रभु के वचनों में किस मात्र भी संदेह नहीं है, प्रत्युत दृढ़ विश्वास है, प्रत्युत दृढ़ विश्वास है, प्रत्युत दृढ़ विश्वास है, अटूट श्रद्धा है, अटूट श्रद्धा है, अटूट श्रद्धा है प्रभु में जीव की। इसलिए तो वे कहते हैं कि आप मेरे को अपना विराट रूप दिखाइए। हे प्रभु, हे परमात्मा, हे ईश्वर, मुझे अपना विराट रूप दिखाइए। जीव इस प्रकार परमात्मा से याचना कर रहा है, परमात्मा से विनती कर रहा है। योगेश्वर, 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 योगेश्वर संबोधन देने का यह भाव मालूम देता है कि भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, ध्यान योग, हठ योग, राज योग, लय योग, मंत्र योग, योगेश्वर, योगेश्वर, जीव प्रभु को पुकार रहा है। योगेश्वर नाम से जीव परमात्मा को, परमेश्वर को पुकार रहा है। योगेश्वर, योगेश्वर, परम योगेश्वर संबोधन देने का भाव यही मालूम देता है कि भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, ध्यान योग, हठ योग, राज योग, लय योग, मंत्र योग आदि जितने भी योग हो सकते हैं, नित्य योग, सत्य योग, विभूति योग, राज गुहा योग, राज विद्या योग, ब्रह्म विद्या योग, आत्मसात योग, आत्म साक्षात स्वयं के स्वरूप का स्वयं में दर्शन करने का योग, सत्य योग, नित्य योग, राज गुहा योग, राज विद्या योग, जितने भी योग है, जितने भी योग हो सकते हैं, उन सबके आप मालिक हैं, आप ही मालिक है परमेश्वर, हे ईश्वर, हे
सर्वेश्वर है सर्वज्ञ प्रभु आप ही हे भगवान आप ही इन सभी योगों के मालिक हैं, आप ही इन सब योगों के मालिक हैं परमात्मा। जीव ऐसा परमात्मा को कह रहा है। इसलिए आप अपनी अलौकिक योग शक्ति से वह विराट रूप भी दिखा दीजिए हे मालिक। अपने अलौकिक योग शक्ति से अपना वह विराट रूप भी दिखा दीजिए योगेश्वर। जीव प्रभु के लिए योगिन संबोधन दिया है, योगिन संबोधन से संबोधन कर रहा है, अर्थात भगवान को योगी बताया, भगवान को योगी जीव कह रहा है। योगेश्वर का मतलब है योगी, परम परम योगी योगेश्वर, योगेश्वर परमात्मा योगी। परंतु अब जीव प्रभु के लिए योगेश्वर संबोधन दिया है, पहले जीव ने योगी फिर अब योगेश्वर संबोधन दिया है, अर्थात भगवान को संपूर्ण योगों का मालिक बताया है। परमात्मा ईश्वर ही संपूर्ण योगों के मालिक है, वही परम पुरुष परमात्मा ही समस्त योगों के मालिक है। कारण वह कारण यह है कि आरंभ में जीव की प्रभु के प्रति जो धारणा थी उस धारणा में अब बहुत परिवर्तन हुआ है। ततो मे तवम दर्श्यात्मानंदमयम्, आपका वह स्वरूप तो अविनाशी है जिससे अनंत सृष्टियां उत्पन्न होती है, उसमें स्थित रहती है और उसी में लीन हो जाती है। प्रभु आप अपने ऐसे अविनाशी स्वरूप को दर्शन कराइए हे योगेश्वर, हे परम पिता परमेश्वर ईश्वर परम 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 पुरुष परम परम प्रकाश पुंज, आप अपने ऐसे अविनाशी रूप के मुझे दर्शन कराइए। जीव परमात्मा से विनती कर रहा है, जीव परमात्मा से विनती कर रहा है, घुटनों के बल बैठ के जीव परमात्मा से प्रार्थना कर रहा है, परमात्मा से याचना कर रहा है हे योगेश्वर योगों के मालिक समस्त योगों के मालिक परम पुरुष भगवान, आप मुझे अपना अविनाशी स्वरूप के दर्शन कराइए, आप मुझे अपने अविनाशी स्वरूप के दर्शन कराइए मालिक। प्रभु के विश्व रूप को अवव्य, प्रभु के विश्व रूप को अवव्य 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 अविनाशी कहने से यह सिद्ध होता है कि संपूर्ण संसार प्रभु का ही स्वरूप है, अवव्य होने से इसका अत्यंत प्रभाव नहीं होता, अत्यंत अभाव नहीं होता, अवव्य होने से इसका अत्यंत अभाव नहीं होता। वास्तव में परिवर्तनशील असत और अपरिवर्तनशील सत दोनों ही मिलकर, वास्तव में परिवर्तनशील असत और अपरिवर्तनशील सत, सत और असत दोनों ही मिलकर भगवान का समग्र रूप है। सहस जीव समस्त अर्जुन जुड़ता केवल अपनी आसक्ति और अज्ञानता के कारण ही प्रतीत होती है, जड़ता केवल अपनी आसक्ति और अज्ञाता के कारण ही प्रकट होती है। जीव परमात्मा से याचना कर रहा है, परमात्मा के योगेश्वर रूप के दर्शन विराट स्वरूप का दर्शन करने की याचना कर रहा है। जीव जीव और परमात्मा का संवाद है। जीव नम्रता पूर्वक ही की हुई प्रार्थना को सुनकर अब प्रभु विश्व रूप देखने की आज्ञा देते हैं। जीव नम्रता पूर्वक घुटनों के बल बैठ के प्रभु से प्रार्थना करता है, प्रभु हे मालिक अपना योगेश्वर रूप दिखाइए। जीव की प्रार्थना सुन के प्रभु जीव की नम्रता पूर्वक प्रार्थना कभी भी करनी चाहिए, नम्रता पूर्वक करनी चाहिए, नम्रता पूर्वक प्रार्थना ही स्वीकार की जाती है। जीव की नम्रता पूर्वक प्रार्थना सुनकर अब भगवान ने ईश्वर ने परमात्मा ने परमेश्वर ने विश्व रूप देखने के लिए आज्ञा देते हैं जीव को। परमात्मा जीव को आज्ञा दे रहे हैं
कि मेरा विश्व रूप तू देख सकता है, मेरी आज्ञा है। अब परमात्मा श्री भगवान बोल रहे हैं, पश्चिमे पार्थ रूपाणी सप्तशतः सहस्रशः नाना विधानी दिव्यानी नाना वर्ण कृतन्यः च। श्री भगवान बोले, श्री परमात्मा बोले, श्री परमेश्वर बोले, श्री योगेश्वर बोले, परम पुरुष महादेव बोले, हे पार्थनंदन, अब हे पार्थनंदन जीव, अब मेरे अनेक तरह के और अनेकों वर्णों रंगों तथा आकृतियों वाले सैकड़ों हजारों अलौकिक रूपों को तू देख। परमात्मा कह रहे हैं, मेरे तो अनेकों रूपों को तू अवत देख। पश्चिमे पार्थ रूपाणी सतसतः सहस्रः, जीव संकोच पूर्वक प्रार्थना को सुनकर भगवान अत्यधिक प्रसन्न हुए, अतः जीव के लिए पार्थ संबोधन का प्रयोग करते हुए कहते हैं कि तू मेरे रूपों को देख। रूपों में भी तीन चार नहीं, प्रतीत सैकड़ों हजारों रूपों को देख, अर्थात अनगिनत रूपों को देख। प्रभु ने जैसे विभूतियों के विषय कहा है कि मेरी विभूतियों का अंत नहीं आ सकता, ऐसे ही यहां परमेश्वर ने अपने रूपों का अनंतता बताई। नाना विधानी दिव्यानी नाना वर्ण कृतनि च। अब प्रभु ने भगवान उन रूपों की विशेषताओं का वर्णन करते हैं कि उनकी तरह तरह की बनावट है, उनके रंग भी तरह तरह के हैं, अर्थात कोई किसी रंग का तो कोई किसी रंग का, कोई पीला तो कोई लाल आदि आदि। उनमें भी एक रूप में कई तरह के रंग हैं, उन रूपों की आकृतियां भी तरह तरह की है, अर्थात कोई छोटा तो कोई मोटा, कोई लंबा तो कोई चौड़ा आदि आदि। जैसे पृथ्वी का एक छोटा सा कण भी पृथ्वी ही है, ऐसे ही भगवान के अनंत अपार विश्व रूप का एक छोटा सा अंश होने के कारण यह संसार भी विश्व रूप ही है, यह संसार भी परमात्मा का विश्व रूप ही है, यह संसार भी परमात्मा का विश्व रूप ही है। वसुदेव सर्वम, वसुदेव सर्वम, वसुदेव सर्वम, वसुदेव कुटुंबकम, वसुदेव कुटुंबकम, स्वयं के स्वरूप में स्वयं का दर्शन, यही ब्रह्म ज्ञान है, यही मोक्ष मुक्ति का ज्ञान है। स्वयं के स्वरूप में स्वयं की आत्मा का दर्शन, स्वयं के प्रकाश का दर्शन, ये ब्रह्म ज्ञान है, ये महान ज्ञान है, ये विशेष ज्ञान है, ये सत्य का समागम है, ये सत्य का सत्संग है, ये सत्य का प्रवचन है। परवचन का मतलब होता है परम वचन, परमात्मा की वाणी है, ये ब्रह्म ज्ञान है। इस ज्ञान को सुन के जीव मोक्ष मुक्ति की ओर आगे बढ़ता है, अपना जीवन सफल करता है, 84 लाख के फंदरों से बचता है और मोक्ष मुक्ति के लिए आगे बढ़ता है, मनुष्य जीवन सफल करता है। ये ब्रह्म ज्ञान है, ये महान ज्ञान है, ये मोक्ष मुक्ति का ज्ञान है। ये संसार ही विश्व रूप है, परंतु यह हरेक के सामने दिव्य विश्व रूप से प्रकट नहीं है, प्रत्युत संसार रूप से ही प्रकट है, कारण कि मनुष्य की दृष्टि भगवान की तरफ ना होकर नाशवान संसार की तरफ ही रहती है। जैसे अवतार लेने पर भगवान सबके सामने भागवत रूप से प्रकट नहीं रहते, प्रत्युत मनुष्य रूप से ही प्रकट रहते हैं, ऐसे ही विश्व रूप भगवान सबके सामने संसार रूप से ही प्रकट रहते हैं, अर्थात हरेक को यह विश्व रूप संसार रूप से ही दिखता है, परंतु यह भगवान प्रभु ईश्वर परमेश्वर अपने दिव्य अविनाशी विश्व रूप से साक्षात प्रकट होकर जीव को कह रहे हैं कि तू मेरे दिव्य रूपों को
थे, परमात्मा ने जीव को आदेश दे दिया है, आज्ञा दे दी है कि जीव की विनती स्वीकार के जीव तू मेरे विश्व रूप को देख, मैं तुझे आदेश देता हूं, मैं तुम्हें आशीष देता हूं, तू विश्व रूप को देख। इतनी शक्ति दे दी है कि परमात्मा के विश्व रूप को जीव अपने विवेक से, बुद्धि से, परमात्मा की कृपा से देख सके। जीव तो अपने को असमर्थ मानकर प्रभु से अपना एक ऐश्वर्य रूप दिखाने की प्रार्थना की थी और उसको भगवान की इच्छा पर छोड़ दिया था, पर भगवान उनको सैकड़ों हजारों रूपों को देखने की बात कहते हैं। इससे सिद्ध होता है कि भगवान की इच्छा पर छोड़ने से साधक को जो लाभ होता है, भगवान की, परमेश्वर की, ईश्वर की इच्छा पर छोड़ने से साधक को जो लाभ होता है वह अपनी इच्छा से, अपनी बुद्धि से नहीं होता। कि मनुष्य कितनी ही विद्याएं, कला कौशल आदि सीख ले, कितने ही शास्त्र पढ़ ले तो भी उसकी बुद्धि तुच्छ सीमित ही रहती है। साधक में जितनी सरलता, निबलता, निर्बलता, निर्भिमानता का भाव होगा उतना ही वह भगवान को जानेगा। अपना अभिमान करके साधक भगवान को, परमेश्वर को, ईश्वर को, सर्वेश्वर को, महादेव को, महेश्वर को जानने में आड़ ही लगाता है। वह जितना समझदार बनता है उतना ही बेसमझ रहता है। अपने को समझदार मानने से वह समझदारी का गुलाम हो जाता है। वह जितना निर्अभिमान होता है, समझदारी का अभिमान नहीं करता, उतना ही वह समझदार होता है। ये भक्ति योग है, ये भक्ति योग है, ये भक्ति योग है। ये योग श्रद्धा और विश्वास पे टिका हुआ है। ये योग श्रद्धा और विश्वास, प्रभु पे श्रद्धा और विश्वास पे ही टिका हुआ है। श्रद्धा और विश्वास का पद को हम युद्ध करके आगे और आगे, आगे और आगे, आगे और आगे बढ़ सकते हैं। प्राण साधना करते हुए, प्राण साधना करते हुए, प्राण साधना करते हुए, नित्य योग, सत्य योग में, विभूति योग में स्थापित होते हुए, वसुदेव सर्वम का ध्यान करते हुए इस योग पे हम चल सकते हैं। परमात्मा को सर्वज्ञ सौंप देने से अपना कुछ नहीं रहता। मेरा कोई वजूद नहीं, तू ही तू है, तू ही तू है, तू ही तू है मालिक। मेरा कोई वजूद नहीं, मेरा कोई वजूद नहीं, मेरा कोई वजूद नहीं, सिर्फ तू ही तू है, तू ही तू है, तू ही तू है। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। इस प्रकार परमात्मा को अपना तन मन धन कर्म सब सौंप देना चाहिए और परमात्मा की राह पे चलना चाहिए। ये परम योग है, ये नित्य योग है, ये सत्य योग है, ये ब्रह्म ज्ञान है, ये महान ज्ञान है। स्वयं के स्वरूप में स्वयं का दर्शन, यही ब्रह्म ज्ञान है, यही महान ज्ञान है, यही समस्त शक्तियों को प्रभु पे समर्पण करने की, प्रभु की इच्छा से चलने का ज्ञान है। ये ब्रह्म ज्ञान है, ये महान ज्ञान है, ये मोक्ष मुक्ति का ज्ञान है। ओम श्री परमात्मा ने नमः, ओम श्री परमात्मा ने नमः, ओम श्री परमात्मा ने नमः। ये सत्य सनातन धर्म का प्रचार का ज्ञान है। ये सत 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 ओम तत् सत, सत 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 प्रभु को जानने का ज्ञान है। इस ज्ञान के द्वारा ही मोक्ष और मुक्ति पाई जा सकती है, अन्यथा नहीं है। सिर्फ इस ज्ञान से, ज्ञान की तलवार से परमात्मा की ओर बढ़ सकते हैं। परमात्मा के आदेश से परमात्मा को पूर्ण रूप से समर्पण कर दो, अपने आप को, अपनी आत्मा को, अपनी आति और जाति श्वासों को परमात्मा को समर्पण कर दो। ये ब्रह्म ज्ञान है, ये महान ज्ञान है, ये मोक्ष मुक्ति का ज्ञान है, स्वयं के स्वरूप में स्वयं का दर्शन का ज्ञान है। प्रभु ने अपने विश्व रूप की तरह तरह के वर्णों का
की बात कही, अब आगे देवताओं को देखने की बात कहते हैं। जीव को अनेक अनेक रूप प्रभु ने दिखाया। पश्यादित्या नवबस्तु श्रू द्राण्य विष्णे मरुतृष्टा बहुन्यन्या द्रष्टा प्रवाणी पश्या चरणी भरतः। हे भरत वंशोदम मर जीव, 12 आदित्यों को, 8 वशुओं को, 11 रुद्रों को और 2 अश्विनी कुमारों को तथा 49 मरुतगणों को देख, जिनकी तूने पहले कभी देखा नहीं, ऐसा बहुत से आश्चर्यजनक रूपों को भी तू देख। परमात्मा कह रहे हैं जीव से, हे जीव, भरत वंश, हे जीव, 12 आदित्यों को, 8 वशुओं को, 11 रुद्रों को, 2 अश्विनी कुमारों को तथा 49 मरुतगणों को देख, जिनको तूने पहले कभी नहीं देखा, ऐसे बहुत से आश्चर्यजनक रूपों को भी तू देख। आदित्य के पुत्र धाता, आदित्य के पुत्र धाता मित्र आरेमा शक्र वरुण अंश भग विवश्वान पूषा सविता तवस्ता और विष्णु, ये 12 आदित्य हैं। ये 12 आदित्य हैं। धर ध्रुव सोम अहा अनिल अनल प्रत्युष और प्रभास, ये 8 वशु हैं। ये 8 वशु हैं। हर बहुरूप त्र्यंबक अपराजित वृषकपि शंभु कप्रति रेवत मृगव्याध सर्व और कपाली, ये 11 रुद्र हैं। अश्वनी कुमार 2 है, ये दोनों भाई देवताओं के वैद हैं, देवताओं के डॉक्टर हैं। सत्य ज्योति आदित्य, सत्य ज्योति त्रेग्य ज्योति सत्य ज्योति ज्योतिष्मान हरित ऋतुजित सत्यजीत सुसेन सेनजीत सत्यमित्र अभिमित्र हरिमित्र कृत सत्य ध्रुव धर्ता विधर्ता विधारे धवाचा धुनि उग्र भीम अभियु साचिप इदुक अनन्यादक्क यदक्रह प्रतिक्रत श्रक्रह शिमिति शरंभ इद्रक्ष पुरुष अनेक्ष अनेक्ष केतास समिता समिदक्ष प्रातिदक्ष मरुत सरत देव दिश यजु अनुदोप शाम मानुष और विष, ये 49 मारुत हैं, 49 वायु हैं, यानी मारुत हैं। इन सब को जीव से प्रभु कह रहे, तू मेरा विराट रूप देख। 12 आदित्य 8 वशु 11 रुद्र, 12 आदित्य 8 वशु 11 रुद्र और 2 अश्विनी कुमार, ये 33 कोटि। 12 आदित्य 8 वशु 11 रुद्र और 2 अश्विनी कुमार, ये 33 कोटि। 33 प्रकार के देवता संपूर्ण देवताओं में मुख्य हैं। ये 33 कोटि 33 प्रकार के देवता संपूर्ण देवताओं में मुख्य हैं। देवताओं में मरुदगणों का नाम भी आता है, पर वे 49 मरुदगण इन 33 प्रकार के देवताओं से अलग माने जाते हैं, क्योंकि वे सभी देवताओं से देवता बने हैं, क्योंकि वे सभी देवताओं से देवता बने हैं। इसलिए भगवान ने भी तथा प्रभु ने भी तथा पद देकर मरुतगणों को अलग बताया है। बहुन्द्य दृष्टि प्राणी पश्चिणी भक्तः, तुमने इन रूपों को पहले कभी आंखों से नहीं देखा है, कानों से नहीं सुना है, मन से चिंतन नहीं किया है, बुद्धि से कल्पना नहीं की है, इन रूपों को तरफ तुम्हारी कभी वृत्ति ही नहीं गई। ऐसे बहुत से अदृष्ट पूर्वक रूपों को तू अप्रत्यक्ष देख ले, प्रभु जीव से कह
कह रहे हैं ए देव, तूने रूपों को देख, मेरी कृपा से देख, मैंने तुझे दिव्य दृष्टि दे दी, तू देख मेरा आदेश है। इन रूपों को देखते ही आश्चर्य होता है कि अहो, ऐसा ही भगवान के रूप है, ऐसे अद्भुत रूपों को तू देख। प्रभु परमात्मा परमेश्वर ईश्वर सर्वेश्वर सर्वज्ञ प्रभु जीव से कह रहे हैं तेरा विराट रूप देख, ध्यान से देख जीव, ध्यान से देख, ये मेरा विराट स्वरूप है। प्रभु ने विराट रूप में अनेक तरह के और अनेक रंगों का आकृतियों वाले रूपों का देखने की बात कही थी, अब उसी बात को विस्तार से कहते हैं। प्रभु के कथन का तात्पर्य है कि सभी देवता मेरे स्वरूप है, अर्थात उन देवताओं के रूप में मैं ही हूं, उन देवताओं के रूप में मैं ही हूं। प्रभु का कहने का कथन है सभी देवता मेरे स्वरूप है, अर्थात उन देवताओं के रूप में मैं ही हूं, अर्थात उन देवताओं के रूप में मैं ही हूं। इस सत को जान ए जीव, इस सत को जान पार, इस सत को जान। भगवान द्वारा विष्णु रूप देखने की आज्ञा देने पर जीव की यह जिज्ञासा हो सकती है कि मैं इस रूप को कहां देखूं। अतः भगवान कहते हैं, अतः प्रभु कहते हैं जीव की जिज्ञासा हो रही कि इस रूप को मैं कहां देखूं। प्रभु द्वारा विष्णु रूप देखने की आज्ञा देने पर जीव की यह जिज्ञासा हो रही है कि मैं इस रूप को कहां देखूं, कहां देखूं इस रूप को। परमेश्वर कहते हैं यह कस्तः जगत कृतस्तः पश्यधा सचराचरम सचराचरम ममातहे गुणा कैसे यच्चानद्रास्त्रस्तृष्टमिच्छासि। हे नींद को जीतने वाले जीव, हे नींद को जीतने वाले जीव, हे नींद को जीतने वाले जीव, हे नींद को जीतने वाले पार्थ, मेरे इस शरीर के एक देश में सचाचरण सहित संपूर्ण जगत को अभी देख ले, इसके सिवाय तू और भी जो कुछ देखना चाहता है वह अभी देख ले। ये परमात्मा का स्वरूप वही व्यक्ति देख सकता है जो नींद पे विजय पा लिए, जिसने नींद को जीत लिया है, समाधिष्ट ही ये रूप दिखते हैं। ये ब्रह्म ज्ञान है, ये महान ज्ञान है, ये मोक्ष मुक्ति का ज्ञान है, स्वयं के स्वरूप में स्वयं का दर्शन का ज्ञान है, कुंडलानी शक्ति जागृति का ज्ञान है, स्वयं की शक्ति जागृति का ज्ञान है। जब कुंडलानी शक्ति जागती है मूलाधार में जीव की ऊर्जा प्रवेश करके उठती है, मूलाधार से ऊपर उठती है, स्पंदन करते हुए स्वाधिष्ठान चक्र को भेदते हुए मणिपुर चक्र को, अनाहत चक्र को, हृदय चक्र को, ललाना चक्र को, अज्ञा चक्र को, सहस्ता चक्र तक ऊर्जा जाती है, तो प्रभु के समस्त विराट स्वरूप स्वयं के पिंड स्वरूप के शरीर में दर्शन होते हैं। ये कुंडलानी शक्ति जागृति का ज्ञान है, ये ब्रह्म ज्ञान है, ये स्वयं की शक्ति आत्मज्ञान प्राप्त करने का ज्ञान है, ये मोक्ष मुक्ति प्राप्त करने का ज्ञान है। महाकाली को प्रणाम करिए, जय महाकाली, जय महासरस्वती, जय महालक्ष्मी, जय आदि शक्ति मां जगदम्बा की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। श्री गणेश मुख्य द्वार मूलाधार में बैठे हुए हैं, श्री गणेश मुख्य द्वार मूलाधार में बैठे हुए हैं, रिद्धि सिद्धि के देवता काटो कठिन कलेश, एक बार सुमिरन करो शिव गोरी पुत्र गणेश, वक्र तुंड महाकाय सूर्य कोटि सप्रभा, निर्विघ्न कुरुम देव सर्व काशी सर्वदा सर्वदा सर्व। जय श्री गणेश, जय जय श्री गणेश, जय जय श्री गणेश। ओम श्री परमात्मा निर्माण। ये ब्रह्म ज्ञान है, ये महान ज्ञान है, ये स्वयं के स्वरूप में स्वयं का दर्शन का ज्ञान है। निद्रा पर अधिकार प्राप्त करने से
हे नींद को जीतने वाले जीव, मेरे इस शरीर के एक देश में चराचर सहित संपूर्ण जगत को अभी देख ले। इसके सिवाय तू और भी जो कुछ देखना चाहता है वह भी देख ले। निद्रा पर अधिकार प्राप्त करने से जीव को गुडा केस कहते हैं, जीव को पार्थ को गुडा केस कहते हैं। यह संबोधन देने का तात्पर्य है कि तू निरालस होकर सावधानी से मेरे विश्वरूप को देख ले। इह कस्तम जगत्कृत्र प्रस्यच्यः सच्चिदानन्दम् नमः देहे। अंत में प्रभु ने कहा था कि मैं संपूर्ण जगत को एक अंश में व्याप्त करके स्थित हूं। इसी पर जीव ने मन में विश्व रूप को देखने की इच्छा हुई। अतः प्रभु कहते हैं कि हाथ में घोड़े की लगाम और चाबुक लेकर तेरे सामने बैठे हुए मेरे इस शरीर के एक देश में एक अंश में मैं अचर सहित संपूर्ण जगत को देख। एक देश में देखने का अर्थ है कि तू जहां दृष्टि डालेगा वहां तेरे को अनंत ब्रह्मांड दिखेंगे। तू मनुष्य, देवता, यक्ष, राक्षस, भूत, पशु, पक्षी आदि, चलने फिरने वाले जंगम और वृक्ष, लता, घास, पौधा आदि, स्थावर तथा पृथ्वी, पहाड़, रेत आदि जड़ सहित संपूर्ण जगत को अभी किसी क्षण देख ले। इसमें देरी का काम नहीं है, जल्दी देख। प्रभु जीव को बोल रहे हैं इसको तुरंत देख, देरी ना कर। मैंने तुझे वो शक्ति सामर्थ्य दे दिया है, स्वयं के स्वरूप में स्वयं के दर्शन कर, स्वयं की ज्योति को जागृत करके स्वयं के स्वरूप में स्वयं के दर्शन। ये ब्रह्म ज्ञान है। स्वयं के पिंड में समस्त ब्रह्मांड नजर आ जाता है। ये ब्रह्म ज्ञान है, ये परम ज्ञान है, ये महान ज्ञान है, ये मोक्ष और मुक्ति का ज्ञान है, ये मोक्ष और मुक्ति का सत्संग है, ये मोक्ष और मुक्ति का प्रवचन है, ये ब्रह्म प्रवचन है, ये ब्रह्म विद्या का प्रवचन है। यथाचेन्द्रास्त्रार्थमृच्छसि भगवान के शरीर में सब बातें वर्तमान की, यथा जो बातें भूतकाल में बीत गई हैं और जो भविष्य में बीतने वाली है, वे सब बातें भगवान के शरीर में वर्तमान थी। इसलिए भगवान कहते हैं कि तू और भी जो कुछ देखना चाहता है वह भी देख ले। जीव 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 और क्या देखना चाहते थे? जीव के मन में संदेह था कि युद्ध में जीत हमारी होगी। जीव ये सोच रहा है कि क्या मैं अपने स्वयं के इंद्रियों को मैं जीत सकता हूं, क्या मैं इंद्र बन सकता हूं, क्या युद्ध में जीत मेरी हो सकती है? इसलिए प्रभु ने कहते हैं कि वह भी तू मेरे इस शरीर के एक अंश में देख ले। ये विशेष भाव है, विशेष बात है। प्रभु से जो मेरी विभूति और योग को तत्व से जानता है, जो मेरी विभूति और योग को तत्व से जानता है, प्रभु को विभूति और योग को तत्व से जानना ही ब्रह्म ज्ञान है, तत्व से जानता है उसका। प्रभु कह रहे हैं उसका मेरे में दृढ़ भक्ति योग हो जाता है। इस बात को सुनकर ही जीव ने भगवान की स्तुति प्रार्थना करके विभूतियां पूछी थी। ऐसे ही प्रभु से मेरे एक अंश में सारा संसार स्थित है, ऐसे ही भगवान से मेरे एक अंश में सारा संसार स्थित है, इस बात को सुनकर जीव ने विश्व रूप दिखाने के लिए प्रार्थना की है परमात्मा से। अगर परमात्मा अथवा कहकर अपनी ही तरफ से मेरे किसी एक अंश में संपूर्ण जगत स्थित है यह बात ना कहते तो जीव विश्व रूप देखने की इच्छा भी ही नहीं करते। जब इच्छा ही नहीं करते तो फिर विश्व रूप दिखाने के लिए प्रार्थना कैसे करते, और जब प्रार्थना ही नहीं करते तो फिर भगवान अपना विश्व रूप कैसे दिखाते? इससे सिद्ध होता है कि भगवान कृपा पूर्वक
अपनी ओर से ही जीव को अपना विश्व रूप दिखाना चाहते हैं। भगवान स्वयं अपनी ओर से जीव पे कृपा करके अपना विश्व रूप स्वयं दिखाने की मन है भगवान का। ऐसी ही बात गीता के आरंभ में भी आई है, जब जीव ने भगवान से दोनों सेनाओं के बीच में रथ खड़ा करने के लिए कहा है, तब भगवान ने रथ को पितामह भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने खड़ा किया और जीव से कहा, पार्थ इन कुरुवंशियों को देख, क्रूर पश्य। इसका सही आशय मालूम देता है कि भगवान कृपा पूर्वक गीता प्रकट करना चाहते थे, भगवान कृपा पूर्वक गीता प्रकट करना चाहते थे। कारण कि यदि भगवान ऐसा न कहते तो जीव को शोक नहीं होता और गीता का उपदेश आरंभ नहीं होता। तात्पर्य है कि भगवान ने अपनी तरफ से कृपा करके ही गीता को प्रकट किया है। भगवान ने जीव पर कृपा करके बार बार गीता प्रकट करते हैं, जीव के अंतकरण में गीता का प्रकाश प्रकट करते हैं। ये ब्रह्म ज्ञान है, ये महान ज्ञान है। स्वयं का प्रकाश देखना स्वयं के पिंड में, यही गीता का प्रकट होना है, यही ब्रह्म परम प्रकाश के दर्शन करना है, उस परमात्मा के सर्वज्ञ के दर्शन करने हैं, उस विराट से भी विराट, अनंत से भी अनंत परब्रह्म के, परम पुरुष के, जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, अणु से भी सूक्ष्म है और विराट से भी विराट है, जिसको कल्पना से भी परे है, उस ब्रह्म के दर्शन स्वयं के स्वरूप में, स्वयं के पिंड में दर्शन होते हैं। भगवान अपने शरीर के एक अंश में संपूर्ण जगत देखने की आज्ञा देते हैं, इससे सिद्ध होता है कि भगवान श्री कृष्ण समग्र है, प्रभु समग्र है और उनके एक अंश में संपूर्ण संसार है। भगवान श्री कृष्ण वासुदेव समग्र है और उनके एक अंश में संपूर्ण संसार है। भगवान श्री कृष्ण परमेश्वर ईश्वर महादेव नारायण समग्र है, उनके एक अंश में संपूर्ण संसार है। वही महादेव है, वही परमेश्वर है, वही परमेश्वरी है, वही आदि शक्ति है, वही अधा शक्ति है, वही श्री कृष्ण के अलग अलग स्वरूप है, अलग अलग रूप है। वही राम है, वही कृष्ण है, वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वम, वसुधेव कुटुंबकम, वसुधेव कुटुंबकम, समस्त विश्व ही परमात्मा है। परमात्मा समस्त विश्व में व्याप्त है, परमात्मा जीव रूप से अलग है, परमात्मा प्रकृति रूप से अलग है, परमात्मा सबको व्याप्त करके विराजमान है, ये परम योग है। रोम रोम प्रति लगे कोटि कोटि ब्रह्मांड, रोम रोम प्रीति लगे कोटि कोटि ब्रह्मांड, रोम रोम प्रीति लगे कोटि कोटि ब्रह्मांड, रोम रोम प्रति लगे कोटि कोटि ब्रह्मांड, रोम रोम प्रति लगे कोटि कोटि ब्रह्मांड। या भगवान प्रत्यक्ष दिखा रहे हैं, जब संपूर्ण संसार भगवान के किसी एक अंश में है तो फिर भगवान के सिवाय क्या बाकी रहा, सब कुछ भगवान ही हुए। इसलिए भगवान जीव से कहते हैं कि तू जो जो कुछ भी देखना चाहता है वह सब कुछ मेरे विराट रूप में देख सकता है। जीव युद्ध का परिणाम देखना चाहते हो, उसको उन्होंने विराट रूप में ही देख लिया। जीव युद्ध का परिणाम देखना चाहता था, उसको उसने उस विराट रूप में ही देख लिया। प्रभु ने तीन चार पश्य पद से अपना रूप देखने के लिए आज्ञा दी है, इसके अनुसार ही जीव आंखें फाड़ फाड़ कर देखते हैं और देखना चाहते भी हैं, परंतु जीव को कुछ भी नहीं दिखता। इसलिए अब भगवान प्रभु ने परमेश्वर ने आगे
जीव को ना दिखाने के कारण बताते हुए उनको दिव्य चक्षु देकर विश्व रूप देखने की आज्ञा देते हैं। परमात्मा कहते हैं ले दिव्य चक्षु ले, इससे ले, इन आंखों से तू इस रूप को, इस प्रकार परम प्रकाश को नहीं देख पाएगा। तू ये दिव्य चक्षु प्रकाश प्राप्त कराता हूं, दिव्य चक्षु देता हूं दान में, इससे दे। जब परमात्मा की कृपा होती है तो दिव्य चक्षु स्वयं के भीतर तीसरी आंख प्रकट हो जाती है। उस आंखों से बैठे बैठे समस्त ब्रह्मांड को आप एक जगह से ही देख लेते हैं। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल सब आपको दिखाई देता है। ये दिव्य ज्ञान है, ये ब्रह्म योग है, ये नित्य योग है, ये सत्य योग है, ये राजगुहा योग है। स्वयं के स्वरूप में स्वयं का दर्शन, यही ब्रह्म ज्ञान है, यही महान ज्ञान है, यही मोक्ष और मुक्ति का ज्ञान है, 84 लाख के फंदनों को काटने का ज्ञान है, ये जीवन सफलता का ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान है, ये महान ज्ञान है, ये मोक्ष मुक्ति का ज्ञान है। गाय, गंगा, यात्री, जल, जंगल और जमीन इस धरा के मूल प्राण तत्व है। इनकी रक्षा सुरक्षा प्रत्येक मनुष्य का, प्रत्येक जीव का कर्तव्य ही नहीं, महान कर्तव्य है, महान कर्तव्य है, महान कर्तव्य है। प्रकृति, जीव, परमात्मा, इनकी सेवा सभी को करनी चाहिए और इस प्रकार परमात्मा से विनती करनी चाहिए। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूं, मैं आपका ही हूं, मैं आपकी शरण में हूं, मैं आपका ही हूं। प्रभु, मैं आपकी शरण में हूं, मैं आपका ही हूं। परमेश्वर, मैं परमात्मा का हूं और परमात्मा मेरे हैं, मैं प्रभु का हूं और प्रभु मेरे हैं, मैं ईश्वर का परमेश्वर का हूं और परमेश्वर मेरे हैं, मैं केवल भगवान का हूं और केवल भगवान ही मेरे हैं, मैं केवल प्रभु का हूं और प्रभु ही मेरे हैं, मैं केवल प्रभु का हूं और प्रभु ही मेरे हैं। ये सत्य योग है, ये नित्य योग है, ये राज गुहा योग है, ये राज विद्या योग है, यही परम 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 योग है। इस योग को आप सभी ध्यान से सुने, बार बार सुने और स्वयं के स्वरूप में स्वयं का दर्शन करें। ये ब्रह्म ज्ञान है, ये ब्रह्म ज्ञान का प्रवचन है, ये महान ज्ञान का प्रवचन है, ये 84 लाख के फंदनों को काटने का प्रवचन है, ये मोक्ष मुक्ति का प्रवचन है, ये स्वयं के स्वरूप में स्वयं का दर्शन करने का प्रवचन है, स्वयं की आत्मा में उस परमात्मा को प्रकट करने का प्रवचन है, ये सत्य का प्रवचन है, ये ब्रह्म ज्ञान है, ये महान ज्ञान है। मैं ब्रह्म ऋषि महर्षि बद्री विशाल योगी श्री अवध कर्षण साधु संत महात्मा ब्रह्मनिष्ठ संत महात्मा, मैं आप सभी जीवों को प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। कृपा मेरा प्रणाम नमस्कार स्वीकार करें। जो आपके हृदय रूपी मंदिर में विराजमान परमात्मा है, जो आपके हृदय रूपी मंदिर में विराजमान आत्मा है, उसके भीतर विराजमान परमात्मा है, उन परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। जो परमात्मा आपके हृदय रूपी गुफा में, हृदय रूपी गुहा में स्थित है, उन परमात्मा, उस ब्रह्म को मैं प्रणाम करता हूं। कृपा मेरा प्रणाम नमस्कार स्वीकार करें। साधु 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 साधु, जय हो, जय हो, जय हो, नमो नमः, नमो नमः, नमो नमः, नमो नमः, नमो नमः। ओ आप सभी हमारा साथ दें, ये सत्य सनातन धर्म का प्रचार और प्रसार का, सनातन धर्म प्रचार का ज्ञान है। मैं सनातन धर्म की प्रचार और प्रसार करता हूं, आप भी इसको शेयर करें, सहयोग करें, विश्व कल्याण के लिए, विश्व परोपकार के लिए, लोकहित कार्य के लिए सहयोग करें, तन मन धन से जो भी हो सके सहयोग करें। मैं कृतज्ञता पूर्वक प्रेम से आपको धन्यवाद देता हूं। ये परोपकार परमार्थ का, विश्व शांति का कार्य है। आप सभी भी इस देव युग में, विश्व शांति यज्ञ में, लोक कल्याण यज्ञ में सहयोग दें, जो भी हो सके तन मन धन से। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लोगों को जागरूक करें। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत। आपके हृदय रूपी मंदिर में विराजमान परब्रह्म परमेश्वर ईश्वर को मैं प्रेम से प्रणाम करता हूं। कृपा मेरा प्रणाम नमस्कार स्वीकार करें। ओम ओम ओम।